बस्ती की पैदाइश है, बस्ती में ही पैदा हुई हूँ मैं, बस्ती में ही पढ़ी और शादी भी यहीं पर हुई है, बट फिर भी मैं इतने लोगों से नहीं मिली थी। बस मुझे अपना घर पता था, अपना मोहल्ला पता था। चार दीवारी में मुझे तो बस चार दीवारी और वो किचन नज़र आता था। खाना बनाओ, काम करो, इसके लिए ये करके रखना है, उसके लिए वो करके रखना है, बोल ही नहीं सकते थे कुछ भी। इनसे तो बिल्कुल भी नहीं बात कर, किसी मर्द से भी नहीं बात कर सकते थे और आपसे भी नहीं कर सकते थे। मर्द औरतों से भी नहीं बोल सकते थे, बोलना आता ही नहीं था। और कभी बोलते भी तो हमें चुप करा दिया जाता था कि चुप हो जाओ। पापा ने भी यही किया था। अब सोचे शादी हो जाएगी तो सास ने भी यही किया। वज़न था मेरा, बहुत वज़न था और मुझे बहुत परेशानी होती थी, सांस फूलती थी, चला नहीं जाता था। अगर मैं कहीं जाती थी तो पहले बैठने की जगह देखती थी, सोचती थी कि शायद कोई जिम होता बस्ती के अंदर तो हमें अच्छा लगता, हम भी जाते जिम में। फिल्मों में देखते थे तो अच्छा लगता था जिम करना, जब हम लोग देखते थे जिम कर रहे हैं लोग तो हमें भी दिल करता था कि हम भी करें, बट क्योंकि हम लोग घर से कहीं जाते नहीं थे और घर में ही रहते थे तो दिल के अरमान दिल में ही रहते थे। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि यहाँ पर पीछे हमारे घर के पीछे एक जिम खुल रहा है और वो बोल कर गए कि वहाँ पर सारी लेडीज होंगी। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा है और सब कुछ था, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मैं जैसे लगता है कोई सपना पूरा होना जा रहा है, मतलब जो मांगा वो मिल रहा है।